एटानगर गौरव बाल ब्रह्मचारिणी विशु दीदी सहित 13 दीक्षार्थियों की ऐतिहासिक बिनौली यात्रा का आयोजन एटानगर में 7-8 अक्टूबर के मध्य हुआ, जिसमें प्रथम दिवस दोपहर 1 से दीक्षार्थियों की भव्य वैराग्य हल्दी रस्म का आयोजन किया गया, जिसमें विशु दीदी के परिवारी जन, माता पिता और सकल जैन समाज एटा भी उपस्थित रहा। श्रमणाचार्य श्री विमर्श सागर श्री महामुनिराज के स्वर्णिम विमर्श उत्सव वर्ष के समापन समारोह के अवसर पर भारत की राजधानी दिल्ली में आगामी 12 से 15 नवंबर 2024 तक भगवती जिन दीक्षा महामहोत्सव होने जा रही है, जिसमें भावलिंगी संत के कर कमलों से एटानगर की कौरव बाल ब्रह्मचारिणी विशु दीदी सहित 13 दीक्षार्थियों को जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त होगी। दीक्षा से पहले बाल ब्रह्मचारिणी विशु दीदी अपनी जन्मस्थली एटा पर जब आई तो नगरवासियों ने उनका स्वागत कुछ ऐसे किया जैसे मानो अयोध्या में श्री राम आए हों। नगर में आगमन के बाद दीक्षार्थियों ने सर्वप्रथम एटा के मूल नायक प्रभु पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए एवं गढ़नी आरिका माँ श्री 105 विशुद्धमती माता जी एवं पट्ट गढ़नी आरिका श्री विज्ञमती माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्व वंदे माँ विशुद्धमती जी के पद अम्बुज में कोटि नमन। विश्व वंदे माँ विशुद्धमती जी के पद अम्बुज। दीदी के आगमन के बाद 7 व 8 अक्टूबर के मध्य ऐतिहासिक बिनौली यात्रा का आयोजन एटा नगर में किया गया। बिनौली यात्रा के भव्य जुलूस में 24 बग्गी, 11 बैंड, डीजे, घोड़े, ऊंट और विशाल कृत्रिम विमान जो कि 18 फीट ऊंचा था व 24 फीट लंबा था, जिस पर एटा नगर वासियों ने अपने नगर की बेटी को बैठाया और पूरे नगर में जिन शासन की जिनागम पंथ की प्रभावना की। बिनौली यात्रा में अनेकों स्थानों पर दीक्षार्थियों का स्वागत वंदन गुरु भक्तों ने अलग अलग रूप में किया। एक स्थान पर दीक्षार्थियों की हजारों दीपकों से आरती की गई। आयोजन की शुरुआत में बाल ब्रह्मचारिणी विशु दीदी के पिता अक्षय कुमार जैन रेडियो परिवार द्वारा आयोजित भव्य वैराग्य हल्दी रस्म का आयोजन हुआ, जिसमें वैराग्यों को हल्दी लगाकर सभी भक्त झूमने लगे और अनुमोदना करने लगे। ऐसी माता की और उनकी बहादुर संतान की जो इतने कठिन मार्ग पर हंसते हंसते जा रही है। संध्या काल में वैराग्य मेहंदी रस्म एवं वैरागी वंदन भजन संध्या का आयोजन हर्षोल्लास से किया गया, जिसमें दीक्षार्थी की एंट्री सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई और उसके पश्चात मेहंदी की रस्म संपन्न हुई। मेहंदी की रस्म के दौरान भजन सम्राट रूपेश जैन के भजनों ने इस शाम को और अधिक भव्य बना दिया। वहाँ जो भी आती हो मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। दो दिनों के भव्य आयोजन के बाद 9 अक्टूबर को एटा नगर गौरव बाल ब्रह्मचारिणी विशु दीदी ने हमेशा के लिए अपने गृहस्थ रिश्तों और जिस घर में बचपन बिताया उससे विदा ली। पूरे नगर के लिए एक तरफ ये क्षण भावुक करने वाले थे तो वहीं गौरवशाली भी थी ये बात। नगर वासियों ने बड़े ही भव्यता के साथ नगर गौरव बाल ब्रह्मचारिणी विशु दीदी को विदाई दी। जनफोकस के लिए एटा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।